वाई डू फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोसीड डिफरेंटली। ये दो रिएक्शंस दिए गए हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है, डिफरेंटली प्रोसीड करते हैं। तो पहले तो डिफरेंस क्या वो देखना पड़ेगा, और वो डिफरेंस क्यों है ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले Pb3O4 को समझते हैं। Pb3O4 है क्या? Pb3O4 ना मिक्सड ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल ऑक्साइड, एक होता है मिक्सड ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड में जो मेटल होता है ना, वो दो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में होता है। ओके, जैसे PbO है, PbO में लेड +2 में है क्योंकि ऑक्सीजन -2 में, और PbO2 में लेड +4 में है। तो PbO एंड PbO2 ये दोनों सिंपल ऑक्साइड हैं। पर अगर आप दो मॉलिक्यूल ले लोगे PbO के, दो मॉलिक्यूल PbO के, एक मॉलिक्यूल PbO2 का, इसको ऐड कर दोगे तो क्या बन गया, Pb3O4 बन गया ना, तीन लेड हो गए, ऑक्सीजन चार हो गए। सो Pb3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, किसका किसका, PbO और PbO2 का इन 2:1। समझ में आ गई बात है? Pb3O4 क्या, समझ में आ गया? अगला लेड के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा आपको। लेड की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी +2 स्टेट +4 से ज्यादा स्टेबल होती है। इनर्ट पेयर क्या होता है, हल्का सा मैं यहां बताता हूँ साइड में। ग्रुप 14 का एलिमेंट है ये, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना। कार्बन का पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये है, ठीक है ना। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से क्या होगी, आउटर मोस्ट क्या होगी, 2s2, 2p2। आउट इनकी ये होता है ना कॉन्फिगरेशन, 3s2, 3p2, 4s2, 4p2, 5s2, 5p2, 6s2, 6p2, ये होती है ना। अब लेड पता है कौन सी दो ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, अगर ये 6p2 वाले दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो +2 शो करेगा, अगर 6p और 6s दोनों लूज कर दे तो +4 करेगा। समझ में आ गई बात है? अब क्या होता है ना, लेड के आगे 4f और 5d इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, बात में पता है ना आपको। 6s तक पहुंचने के लिए आपको 4f और 5d की फिलिंग भी करनी पड़ेगी, अब तक तो चल गया वो पता। तो 6s के पहले कौन कौन से शेल होते हैं, 5d और 4f होते हैं। इनकी शील्डिंग होती है पुअर, शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है। शील्डिंग पुअर होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो 6s2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींच रहा है। हाँ हाँ पुअर, पुअर PWR, शील्डिंग पुअर है। शील्डिंग पुअर होने के कारण जो 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींच जाते हैं, अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाते हैं ज्यादा। तो अगर अंदर की तरफ पेनिट्रेट ज्यादा करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, क्योंकि तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको बाहर इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, और ये तो अंदर ही खिंचते जा रहे हैं। तो ये 6s2 वाला पेयर इनर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो सिर्फ लास्ट वाले दो करेंगे, 6p2 और लेड +2 शो करता है। समझ में आ गई बात? +4 शो करने के लिए इसको भी बाहर आना पड़ेगा, और ये आता नहीं है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। समझ में आ गई बात है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड की +2 ऑक्सीजन स्टेट +4 से ज्यादा स्टेबल होती है। ये लाइन क्लियर है? ओके, हेंस PbO2 वेयर लेड हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात है? नहीं आई? हाँ यस सर। PbO2 में लेड क्या है, +4 में है, लेकिन स्टेबल कौन सा है, +2 वाला। तो ये रिएक्शन अपने आप होगी नहीं होगी, हो जाएगी क्योंकि लेड +2 ज्यादा स्टेबल है। खुद की इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये क्या काम करेगा, तो PbO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बात समझ में आ गई। ओके PbO, अब PbO तो PbO में तो ऑलरेडी वो क्या है, +2 में है, ऑलरेडी +2 में है, वो तो +4 में जाएगा नहीं, तो वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसलिए वो कोई रिड्यूसिंग एजेंट का काम तो करने नहीं वाला, ठीक है ना। लेकिन ये है तो बेसिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड। तो PbO क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, इसलिए वो क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो मतलब दो हो गए,
एक पीबीओ हो गया, एक पीबी ओ टू हो गया। पीबीओ टू तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये बेस की तरह काम करेगा, बेस बेस, ठीक है ना, एसिड बेस वाला बेस, बेसिक ऑक्साइड है ये। तो दोनों के केमिकल नेचर में फर्क हो गया ना, नहीं समझ आ रही बात। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक बेस है, वही बात यहां दो रिएक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही है, देखते हैं कैसे, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ PB3O4 विद HCl एंड HNO3 कैन बी स्प्लिट एज रिएक्शन ऑफ, अब देखो जब PB3O4 रिएक्ट करता है, PB3O4 होता क्या क्या है, PbO और PbO2 दोनों मिक्स होके तो PB3O4 बने हैं ना। तो PB3O4 की जब भी आप रिएक्शन स्टडी करते हो तो आपको इन दोनों की रिएक्शन ही स्टडी करनी पड़ती है, PbO की और PbO2 की। यही लिखा है कि भाई HCl और HNO3 के साथ जो रिएक्शन आप कर रहे हो PB3O4 का, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो PbO2 की रिएक्शन और PbO की रिएक्शन में। समझ में आ गई बात। तो एक एक करके स्टडी करेंगे, पहले रिएक्शन विद HCl, ओके। PbO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। PbO2 क्या करता है, HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ये रिएक्शन है देखो। अच्छा ये रिएक्शन है, आपको रटनी नहीं है, मैं अभी बैलेंसिंग सिखाऊंगा आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके बाद ये रिएक्शन आप आसानी से अपना बैलेंस कर सकते हो। समझ में आ गई बात। इतनी बात लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए कि HCl की ऑक्सीडेशन होकर वो Cl2 बनेगा। HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है, -1। Cl2 में 0, तो ये ऑक्सीडेशन हुई नहीं हुई बताओ, -1 से 0 हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ना। तो PbO2 क्या करता है, HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना देता है और खुद हो जाएगा रिड्यूस, लेड लेड देखो रिड्यूस हो गया, यहाँ +4 में था, PbCl2 बन गया, +2 में चला गया। समझ में आ गई बात है। अब ये रिएक्शन ना रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपने आप इतना भी कर सकते हो, PbO2 था, लेड 2+ में चला गया, तो आपको पता ही है अब सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, क्लोराइड आयन पड़ा हुआ है, तो वो लेड क्लोराइड क्लोराइड ही बनेगा और क्या बनेगा, नहीं समझ आ रही बात। तो PbCl2 बन जाएगा, तो ये रिएक्शन होगी। इसमें हुआ क्या है, लेड ऑक्साइड ने HCl को ऑक्सीडाइज कर दिया Cl2 में। PbO, अब PbO भी तो है ना, PB3O4 की रिएक्शन आप करा रहे हो, तो उसमें PbO है और PbO2 है और PbO है। PbO क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा, क्यों, ये बेस है और HCl एक एसिड है, बेस और एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, तो PbO अपना वही काम करेगा। PbO HCl के साथ रिएक्ट करके PbCl2 और वाटर बन गया। इसमें किसी भी स्पीशी का ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं हुआ, सबका सेम है, यहाँ PB+2 में है, ऑक्सीजन -2 में, यहाँ हाइड्रोजन +1 में, क्लोरीन -1 में, लेड +2, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सबका सेम है। ये सिर्फ एक एसिड बेस रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है बस, इसमें कुछ नहीं हुआ। समझ आ गई बात है। अब क्या करो, ऊपर दोनों को जोड़ो, रिएक्शंस को जोड़ो, ये रिएक्शन बोलना मुझे, रिएक्शन नंबर 1 क्या है देख के बताओ। PbO2+4HCl, PbO2+4HCl क्या बन रहा है, ये PbCl2। +2 वाटर, ये रिएक्शन 4H2, ये रिएक्शन नंबर 1 है ना, है ना, 2H2। चलिए ये रिएक्शन नंबर 1 था, रिएक्शन नंबर 2 था। अब मैं क्या करूंगा, रिएक्शन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 में ऐड कर दूंगा। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ PbO2 है, यहाँ पे PbO है, और PB3O4 क्या है, 2 टाइम्स PbO+PbO2, यही तो है ना PB3O4, और मुझे PB3O4 बनाना है, तो इसलिए मुझे यहाँ PbO2 तो मिल गया है, 2 PbO बनाना था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों को ऐड करो, देखो कैसे ऐड करेंगे, ये PbO2 है, इसको 2 PbA मिल गया,
ये हो गया ना प्लस HCl, चार यहाँ पे थे, चार यहाँ हो गए, दो दोना चार, 8 HCl गिव्स PbCl2 कितने हो गए, एक तो यहाँ है BbCl2, दो यहाँ है तो 3 BbCl2 हो गए, क्लोरीन तो एक ही है, पानी कितना हो गया, दो यहाँ था एक यहाँ, तो 2 से 1 लेकर के 4 हो गए, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, PbO2 प्लस 2 PbO Pb3O4 बन गया, ये HCl के साथ रिएक्ट करके ये बन गया, यही रिएक्शन यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन, देखो यही रिएक्शन गिवन था ना, नहीं मतलब इस रिएक्शन में Pb3O4 में जो PbO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और जो PbO है वो बेस का काम कर रहा है और रिएक्शन हो रही है, समझ में आई बात है। यहां देखो अब यहां क्या हो रहा है, यहां पे ना PbO2 ने रिएक्ट ही नहीं करा, ये बाहर ही चला गया, ये देखो PbO2 देखो यहीं पड़ा ना, यहां भी PbO2 यहीं पड़ा है, तो देखो क्या हुआ, PbO2 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, अभी तो हमने बोला, तो अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन उसके सामने है कौन, ये देखो ना नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है, +5, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, नहीं पता है बात, 1s2 2s2 2p3, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है यार, और क्या करेगा, तो नाइट्रोजन ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसको और ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते, नाइट्रोजन खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नाइट्रोजन बोलेगा लेड को तू हो जा ऑक्सीडाइज, मैं नहीं होता, लेड बोलेगा मैं तो ऑलरेडी +4 में हूँ, लेड की प्लस तो फोर हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, दोनों की हाईएस्ट हाईएस्ट ऑक्सीजन, तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, बैठे रहो फिर, इनमें रिएक्शन नहीं होने वाली, बता रहा हूँ, तो PbO2 और HNO3 दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, PbO2 कैन नॉट ऑक्सीडाइज HNO3, PbO2 नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि HNO3 में नाइट्रोजन पहले से ही मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, समझ में आई बात, ऑल्सो HNO3 भी PbO2 ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है नाइट्रिक एसिड कर दे फिर PbO2 को ऑक्सीडाइज, लेकिन वो भी नहीं कर सकता क्योंकि PbO2 में लेड अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट में, दोनों की बनेगी नहीं फिर, इसलिए PbO2 एंड HNO3 डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ये रिएक्ट ही नहीं करते आपस में, लेकिन PbO तो बेस है, PbO तो बेस है ना, बेस तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर बनेंगे, यही हो रहा है, 2 PbO + 4 HNO3। अब ये रिएक्शन ना आपको याद नहीं करनी, मैं अभी अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा बैलेंसिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन को बनाते कैसे, ओके लेकिन बस समझ लो इस रिएक्शन को फिलहाल, PbO प्लस HNO3 लेड नाइट्रेट प्लस H2, इसमें किसी भी स्पीशी का ऑक्सीजन नंबर चेंज हुआ नहीं है, लेड +2 में है, यहाँ पे +2 में है, नाइट्रोजन तो नाइट्रेट ही आया था ना, यहाँ नाइट्रेट आया ना, यहाँ भी नाइट्रेट आया नहीं, कुछ हुआ थोड़ी है, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन हुई है ना, फिर क्या करना है, एड PbO ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया हमने, PbO2 यहाँ पे भी PbO2 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी PbO2 ऐड कर दिया, तो 2 PbO प्लस PbO2 मिलके Pb3O4 बन गया प्लस ये, अब यही रिएक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन था, मतलब ये रिएक्शन सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, नहीं समझ में आई बात, इस रिएक्शन में किसी भी स्पीशी की ऑक्सीडेशन नहीं हुई, किसी भी स्पीशी की रिडक्शन नहीं हुई, लेकिन अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, दो रिएक्शन दी थी, बोला था कि डिफरेंट कैसे हैं दोनों और डिफरेंस क्या है क्यों है, ये सब पूछ रहा था ना, अब समझ में आएगा आपको सारा क्वेश्चन, देखो यहां पे HCl को ऑक्सीडाइज किया जा सकता था इसलिए इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, इसके दो चीजें थी ना PbO2 और PbO, दो चीजों का हिस्सा था, HCl को ऑक्सीडाइज किया जा सकता था इसलिए PbO2 ने ऑक्सीडाइज कर दिया HCl को और Cl2 बन गया, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, समझ में ही बात, यहाँ पे HNO3 को ऑक्सीडाइज किया नहीं जा सकता इसलिए ये सिंपल एक एसिड बेस रिएक्शन है, ये डिफरेंस है दोनों में, क्लियर है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे देखो, द कंपाउंड AgF2 इज
अनस्टेबल कंपाउंड, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है ना। हाउ एवर इफ फॉर्म्ड द कंपाउंड एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है लेकिन अगर ये बन भी जाए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा क्यों है ये बता। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, अगर आपको नहीं भी पता, नॉलेज नहीं भी है, तब भी वो क्वेश्चन में ही आंसर होता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब इसकी खुद की रिडक्शन होगी ना। देखो AgF2 है, AgF2 में पहले तो मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, फ्लोरीन का तो -1 होगा हमेशा, सिल्वर का क्या होगा, +2 हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा ना। तो अब अगर इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना है, इसकी खुद की रिडक्शन होगी ना, खुद की रिडक्शन किसकी हो सकती है, Ag2+ की, F- की, एजी Ag+ की, F- तो F- है उसके और थोड़ी रिड्यूस होता है वो, F-2 थोड़ी होता है। तो इसमें रिडक्शन सिर्फ सिर्फ किसकी हो सकती है, Ag2+ Ag+ में जा सकता है, इसलिए वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आई बात है, तो मतलब यही हो रहा होता है। क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हो भाई, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब उसकी खुद की रिडक्शन होना बहुत आसान है और ऐसा होता ही। तो देखो सिल्वर, ये आप याद भी कर लेना, सिल्वर की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, +1। पर इस कंपाउंड में सिल्वर +2 में है तो इसलिए वो +2 से +1 होना चाहता है, इसलिए AgF2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर?